Hey guys, welcome back to our channel Organize Knowledge. Friends, how are you all? I hope you all are doing well. और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 1 एनसीईआरटी नोइंग आवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट की थी एंड वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन 3. सो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर भी करना. So now, without any delay, let's get started. In an election, the successful candidate registered 577,500 votes and his nearest rival secured 348,700 votes. Okay, by what margin did the successful candidate win the election? तो यहाँ पे बताया गया है कि एक इलेक्शन था, उसके अंदर सक्सेसफुल कैंडिडेट ने मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिले 577,500 वोट्स और उसके नियरेस्ट राइवल को मिले 348,700 वोट्स. तो अब यहाँ पूछा गया है बाय व्हाट मार्जिन जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसने इलेक्शन जीता. अब ये तो हमें साफ देख के पता चल रहा है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसने इलेक्शन जीत लिया क्योंकि उसके वोट ज्यादा हैं. तो अब यहाँ पे पूछे किस मार्जिन से, यानी कितने वोट ज्यादा जीते सक्सेसफुल कैंडिडेट ने. तो अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी. कि मान लो आपके पास 5 टॉफीज हैं, आपके फ्रेंड के पास 8 टॉफीज हैं. तो अब ज्यादा टॉफीज किसके पास हुई, आपके फ्रेंड के पास ज्यादा टॉफीज हुई. और अब आपको बताना है कि कितनी टॉफीज ज्यादा है आपके फ्रेंड के पास. तो ऑफ कोर्स 3 टॉफीज ज्यादा है आपके फ्रेंड के पास. तो क्या किया, 8-5 आ गया आंसर. तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे. सो यू विल राइट नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट 577,500. देन यू विल मी राइट नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल 348,700. देन यू विल राइट मार्जिन बिटवीन देम. तो ये निकालने के लिए वी विल सबट्रैक्ट देम. तो 0-0, 0-0, 0-0. वी कांट सबट्रैक्ट 5, सो वी विल कट 5. ये 5 कट के हमारा हो जाएगा 15. यहाँ से 7 कट के हो जाएगा 6. तो हम 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 15 में से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा. देन 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इट विल बिकम 16 और ये बन जाएगा 6. देन 16-8, 8 और यहाँ पे 6 है तो 6-4 हो जाएगा हमारा 2 और 5 में से 3 गए 2 हो जाएगा. We will put commas here. तो हमारा ये आंसर आ जाएगा. So therefore the successful candidate won by a margin of 228,800 votes. So ये बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन था. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है. अगर क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर दो और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय.